ये कह रहा है कि मैं एक स्कैन को भी मारूंगा और अभी खरीद लूंगा एक घड़ी। चार टेलेंडर इस पे लग गए हैं। तो निफ्टी 50 में क्या था, अभी एक ट्रेड का लॉजिक बता रहा हूँ। नीचे से थोड़ा सा सपोर्ट लेवल, मार्केट ने इस जगह पर कहीं पे सपोर्ट लिया है भाई, तो दोस्तों ले लिया है। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे, काफी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। मेरा तो गला बैठ गया इसी से। और आज है हमारा वेडनेसडे। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा स्लाइड गैप डाउन, सपोर्ट लिया, देन अप मूव, एंड उस अप मूव को मैंने कर लिया एंट्री सेटअप से। पकड़ा दो ट्रेड्स पकड़े हैं और एक ही हमारा पोजीशन थी, दो अलग अलग ट्रेड्स थे। मैं आपको ट्रेड्स एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आप ऐप डाउनलोड करके रखो और मुंबई मीटअप वाले आप रेडी रहो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये तो आप कर ही देते हो। और ये जो अपना जो ट्रेड है वो मैं आपको ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने की। स्कैल्पिंग ये था, बट ये मार्केट बहुत एक डायरेक्शन में बहुत अच्छा मूव कर रहा है। वो सारे के सारे इंडेक्स नीचे सपोर्ट लेके घूमे, और जैसा कि अडानी में एक पॉजिटिव न्यूज आई थी, उसके बाद कल पूरा मार्केट टिका हुआ था, फिर लास्ट आवर में गिरा, लेकिन अभी दोबारा से गैप डाउन देके फिर स्पाइक मार्केट ने अप मूव एक दे दिया है। तो ये देखो मार्केट हमारा, ये है निफ्टी 50 है, और ये बैंक थोड़ा सा यहाँ पर रुका है, और निफ्टी 50 में अच्छा मूव है, क्योंकि मिड कैप वगैरह अगर हम देखें तो इनमें अच्छा निफ्टी हो गया आपका, इंडिया विक्स तो ही चल रहा है। और निफ्टी 50 को अगर देखता हूँ तो निफ्टी 50 में क्या था, अभी एक ट्रेड का लॉजिक बता रहा हूँ। नीचे से थोड़ा सा सपोर्ट लेवल, मार्केट ने इस जगह पर कहीं पर सपोर्ट लिया है। मेरा पहला ये था कि ये प्राइस यहाँ पर आया और गैप फिल करके थोड़ा सा एक डाउन मूव दे, बट नहीं दिया। इमीडिएट इसने एक अर्ली एंट्री सेटअप बनाया जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है। मैंने स्ट्रेटजी वाला जो है मेरा एक बिग बार, उसमें दो स्ट्रेट, एक ही स्ट्रेटजी में दो सेटअप शेयर किया मैंने। एक होता है ये बिग बार वाला, एंड देन ये अर्ली एंट्री सेटअप। ठीक है, तो अर्ली एंट्री सेटअप पर मेरा जो एक ट्रेड था वो सिंपल सा ये था, ये जो कैंडल बनी, इसके बाद इसका लो का हमारा जो SL है, एंड इसके बाद का टारगेट, एंड उसी में दूसरा जो मेरा ट्रेड पंचअप हुआ वो ये था कि जो बिग बार बना था लॉन्ग पोजीशन, अगर मैं यहाँ पर डालूँ, ये देखो ये था, थोड़ा सा ट्रेड ने पैनिक क्रिएट किया, थोड़ा सा ड्राई, क्योंकि PM मूव नहीं किए थे। तो ये था एक बिग बार वाला सेटअप, इसमें मैं यहाँ पर ही अभी थोड़ी देर पहले इधर ही काट के इसको निकला हूँ, कट किया है। तो एक अर्ली एंट्री सेटअप, इसमें मैंने फर्स्ट ट्रेड उठाया, और वो ट्रेड मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। जो अर्ली एंट्री सेटअप 18,300 एक कॉल ऑप्शन, क्योंकि इस वक्त प्रीमियम मूव कर रहे थे, तो यहाँ पर उठाया था इसको अर्ली एंट्री सेटअप पर, इस जगह पर उठाया था। और इसके बाद थोड़ा सा ये प्रीमियम भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट किया था कि यार जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बट इसमें अपन 19,000 ही बुक किया। फिर उसके बाद 18,300 एक कॉल ऑप्शन, इसने थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो किया था, इस कैंडल के बाद बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वो किया, बट ये जो कैंडल अभी अपना ये वाला आया था, इस वाली कैंडल में निकला और उसके बाद मूव किया है, तो थोड़ा सा इसमें भी मैं जल्दी निकला हूँ। बट मेरा स्केल पर 1-2-3 कैंडल का ही गेम है, अगर मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ठीक है, बट अब जाके इसने मूव किया है। तो आई होप बिग बार बस जिसने पकड़ी होगी चीज़, उसको समझ में आ गई होगी क्या परफेक्ट सेटअप बना हुआ है यहाँ पे। एक अर्ली एंट्री भी बना है, थोड़ा अर्ली एंट्री अगर आप नहीं पकड़ पाए, फिर यहाँ पे सपोर्ट देने का एक बिग बार बना, बिग बार के बाद 1-2-3 कैंडल, तीन कैंडल भी होल्ड नहीं करते और जाते तो ऊपर, और अच्छा मूव दिया मार्केट ने। तो एक डायरेक्शनल मूव था, बस इसी को दो ट्रेड से मैंने कैप्चर किया। मैं ट्रेड लेने के बाद मार्केट को, मार्केट के कैंडल्स को एनालाइज करते रहता हूँ टाइम टू टाइम, कि ये कैंडल क्या ये होल्ड कर दी है, टिक दी है, प्राइस मूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर। तो ये अभी था मेरा फर्स्ट ट्रेड, अभी मॉर्निंग के ट्रेड चल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है आपका 10:17, तब तक के ट्रेड हैं, और अभी देखता हूँ उसके बाद अब कौन से ट्रेड मेरे बनते हैं। हाँ, सो अभी एक और बिग बार सेटअप बहुत ज़बरदस्त ट्रेंडिंग में तो बनता ही है, और बैंक निफ्टी में भी सारा अर्ली एंट्री सेटअप है। देखो अर्ली एंट्री सेटअप था, और ये रहा बिग बार, कैसे एक बिग बार, देन प्राइस सी टेस्ट, अनदर बिग बार, बिग बार 1-2-3 कैंडल स्केल, और इस स्केल्पिंग मूव में सेम ऑप्शन में ट्रेड किया 18,000 आपका 350 की कॉल ऑप्शन। इस बिग बार के बाद आप मूव देखो इस बिग बार, और इसके बाद 65 का प्रीमियम अराउंड 75 गया हुआ है इसी मूवमेंट में स्केल्प, और अपना 39,000 अपना टोटल नेट वेट अभी 58,000 हो गया है। तो एक अच्छा खासा स्केल्प था ये बिग बार पे, और आई होप आपने ये बिग बार पे पकड़े होंगे अगर आप बिग बार स्ट्रेटजी पे काम किए हो, आपको चीज़ें समझ में आई हैं। ये देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ रीटेस्ट, अर्ली एंट्री सेटअप और बिग बार दोनों के दोनों मैंने एक्सप्लेन किए। ये देखो रीटेस्ट के लिए आया, नीचे क्लोज किया, लेकिन एक बिग बार बना दिया, बिग बार बना दिया, लो का SL आप उसको कैदी करके जा सकते हो लंबा। तो सिंपल स्ट्रेटजी है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, एक पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी पीछे लॉजिक भी है, विदाउट लॉजिक कुछ नहीं है। तो लेकिन आप अगर स्ट्रेटजी पे टिके रहने के बजाय फालतू में लगे रहते हो इधर उधर उल्टी सीधी चीज़ों में, कि यार इससे मिल जाए, इससे हो जाए, चलो यहाँ ले लेते, यहाँ ले लेते, यहाँ नहीं,
ऑब्जर्वेशन चाहिए। अब यहाँ पर ट्रेड नहीं बनेगा, क्यों क्यों यहाँ पर निकलना, क्योंकि पहली बार यहाँ से नीचे आया तो अभी वापस यहाँ गया तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा फंसाएगा, एकदम से नहीं आता। तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होती है मार्केट के अंदर। तो अभी मार्केट थोड़ा सा क्या हो गया, ठीक है, अब पहले मॉर्निंग में मूव दिया, अब खचर बचर नहीं करना है मार्केट के साथ। 11, 12, 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक, 11 से 1 बजे तक के बीच में पड़े रहने दो मार्केट को, कुछ मत करो। तो अभी मैं नहा धो लेता हूँ, नहाना भी जरूरी है यार, पता नहीं हम लड़के फड़ के लोग नहाने का पता नहीं क्या होता है। नहाता हूँ फिर मेरे को बाजार जाना है, तुम्हारा भाई लेने वाला है कैमरा बोलते अब ऐसे फोन से नहीं पकड़ा है, बड़ा कैमरा लगा जाएगा, कुछ प्रोफेशनल लगेंगे। तुम्हारा भाई लेने वाला है कैमरा, देखने जा रहा हूँ मैं सोनी के पास, जो वहाँ नहीं मिला था, मैं सोच रहा दिल्ली में मुझे मिल जाएगा, और भी 2-4 चीज़ें गैजेट वगैरह लेने हैं, फिर वो लेके कुछ मज़ा आएगा तुम्हें। दोस्तों अभी मार्केट तो अपना आपने देख लिया होगा, सुबह सुबह हमने फर्स्ट हाफ की चीज़ें कर ली, फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग जो है कर ली है, अभी मार्केट भी है, अपने को रियल मार्केट में भी जाना है, ठीक है, दिल्ली। तो अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, देखो जगह कुछ चीज़ें लेनी है, आपको बता ही दिया है, तो वो देखते हैं, अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर कहीं और देखेंगे, लेना तो है ही। तो ये आ चुके हम सीपी टिकटॉकर का गढ़, ये एक टाइम पे यहाँ पर जो टिकटॉकर थे ऐसे करते रहते थे, फिर से ऐसे ऐसे करते रहते थे, देखा ना पहले टिकटॉकर, फिर आए कैरी मिनाती, उन्होंने पूरा टिकटॉक ही बैन करा दिया है, पूरा टिकटॉक गिराने वाला बंदा है वो। प्लान कर रहा है, वक्त बदल रहा है वक्त बदल रहा है, ये लड़कियों का वक्त क्यों बदलना है तुझे, अपना बदलना, लड़कों का वहाँ है, लड़कों का फास्ट टैग, अबे आजकल तो डिजिटल लेना है यार, डिजिटल नहीं डिजिटल पहन दिखा मैंने, डिजिटल दिखा सकता हूँ, फोन किस लिए जब घड़ी डिजिटल पहननी है, घड़ी है किस लिए फिर जब फोन है, तो वक्त बदलने के लिए। तो ये कह रहा है कि मैं एक स्कैन पर अभी मारूंगा और अभी खरीद लूंगा एक घड़ी, 4 टेरेंडा इस पर लग गए, क्या लगता है तुझे, कर लेगा अभी अभी देखते हैं, चल लाइव, एक स्कैल्प अभी मारेगा और एक घड़ी अभी लेगा, ठीक है, ऐसे लेट हुआ तो लेट हुआ तो कैंसिल कैंसिल, ऐसी कोई शर्त नहीं है, ठीक है। तो भाई अब भी किया स्कैल्प, देख लो, झूठ नहीं बोल रहा कुछ भी, अभी स्कैल्प मारा है इसने, ये स्कैल्प बहुत बड़ा स्कैल्प था, इसमें 10 लाख से माल उठाया, 45 पर 46 पर 46 47 में निकाला कुछ सेकंड में स्कैल्प, अभी 47 चल रहा है, देख नहीं 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 अब काट दे काट दिया ना, 47 चल रहा है वो, अभी भी 47 भाग रहा है रे ये भाई स्कैल्पर, चल चल अभी ले देख भाई, इसमें से 30 इसमें 37 का प्रॉफिट है, तो घड़ी भी आएगी उतने की, इससे ये प्रॉफिट से इजी ही रहता, चलो अब ले सेलेक्ट कर घड़ी, अब मुझे तुम दिखाओ 35 तक कौन सी है तुम्हारे पास, 35 अबे यार खत्म, तुम मुझे 35 वाली दिखाओ, अगर जो पसंददारी बोले ना दिखाओ क्या, ना ना जो महंगी होगी तो अच्छी होगी भाई, वो पसंद तो आएगी, ऐसे नहीं होता ले ले चला जा देख ले, ये घड़ी जा रही मेरे हाथ पे, दम हाँ तो तेरे हाथ पे जा रही है, बोला मैंने सही लग रही है, ये भी प्रीमियम है वैसे, मुझे अब दोनों ऐसा करो एक हाथ पे ये पहनो एक हाथ पे, दोनों को कंपेयर करिए, ये ऑरेंज वाला ना वो आंखों में लग रहा है, ये वो वाला थोड़ा हिडन हो जाएगा। अभी ब्लॉग पापा देखना है, पापा सॉरी यार, अरे हाँ ये क्या सॉरी डांटना मत, भाई पैसे महंगी गाड़ी दे रहा है, ले ली हमें वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, हमने उसको गिना ही नहीं है, लॉस हो गया, हमने गिनती में रखा ही नहीं उसको, वो प्रॉफिट वहीं तक ही था, रूम तक जितना था, घूमते नहीं हुआ, क्यों लिया था हमने ट्रेड हमें, क्योंकि ऊपर से बिग बार बनते हुए आ रही थी, जहाँ बिग बार बनती है वहाँ तुम्हारे पास घुसता है स्कैल्प करने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन में कहीं कुछ तो देके जाता है, और अच्छा लास्ट मोमेंट में कुछ तो देके ही गया मुझे वरना उस प्रीमियम को देखो, अगर स्कैल्पिंग में काटोगे नहीं प्रीमियम को देखो कहाँ गया देख भाई, हम स्टोर से अंदर गए, अंदर से बाहर आए है ना, पानी की बोतल लेके आए, अरमानी घड़ी लेके आए है ना, और हमारा 1 रुपये का खर्चा नहीं हुआ, कमाल क्या हो रहा है, 1 रुपया क्या स्कैल्प किया स्कैल्प किया, अंदर ही वहीं अंदर ही निपटा दिया, मतलब वो प्रॉफिट जो था वो हमारा गया, तो इसको तो बराबर में आ गया, हम जो हमारा प्रॉफिट बाहर गेट के बाहर था वही है, उसी पर टिके हम, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो आया है उस स्टोर के अंदर की हरकतों की वजह से आया है। 5 आइटम
अरे वो अभी यही निकलवाए हैं तो यही ले गाने भाई। अरे तो उनसे बताएगा तभी तो पता चलेगा ना। गर्म हो गया माहौल, गर्म हो गया भाई। तो दोस्तों के माल ले लिया है, ठीक है। अनबॉक्सिंग होगा ना, अनबॉक्सिंग छोड़ देंगे। ये भी इनका भी चलता है स्टॉक मार्केट, आएगा तो डिस्काउंट करवा लेंगे हम। एक ही कम्युनिटी वाले लोग हैं। चलो देखते हैं इसका डिसाइड करके फिर बताएंगे। स्टॉक वर्नर को सर्च कर लो। चलो स्कैल्प कर दो, पैसे निकालेंगे। अच्छा नहीं, निकालने तो दे मुझे स्कैल्प, लेकिन ये मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा है इसमें। रिक्स मुझे रिक्स लग रहा है। तो 3 बजे के बाद देखते हैं, अभी 2:20 हो रहा है। 3 बजे के बाद देखते हैं, अभी थोड़ा सा रेंज बनने दो मार्केट को, मार्केट को रेंज बन के ऊपर निकलने दो, ठीक है। बाकी भाई लोग ट्विटर पर तुम फॉलो नहीं करते हो यार, तो वहाँ पर वेरीफाइड चीज़ें आ रही हैं। किसी ने दिखा था सब वेरीफाइड भी डालो, मैंने कहा ठीक है। कर दिया तो हमने इसको 1,00,000 बाहर पहुंचा दिया है। ये कैसे है, क्यों है, ये ट्रेड में क्यों घुसा मैं छोटा स्कैल्प में? ये देखो जो बड़ी कैंडल आई थी, बड़ी कैंडल के बाद में घुसा हूँ। 30 पे उठाया इस ट्रेड को, देखो बिग बार, उसके बाद 1-2-3 धड़ से कैंडल। इसी में ज़्यादा कुछ बड़ी क्वान्टिटी नहीं, क्योंकि नीचे से ज़्यादा सपोर्ट, जहाँ नीचे नीचे से जहाँ सपोर्ट हो वहाँ पर नहीं घुसा जाता है, बताया हो तो स्कैल्प पर कहीं भी बैठ के स्कैल्प कर। दोस्तों अपनी शॉपिंग हुई, आपको बताएगा शॉपिंग किस तरीके से मैं करता हूँ, मज़ा ही आया होगा। This is called हक से स्कैल्पर, हैशटैग हक से स्कैल्पर। आप कमेंट करके लिख देना अगर आप भी स्कैल्पिंग करते हो। और स्कैल्पिंग में मैं बताता हूँ, हमेशा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आपको मैनेज करनी नहीं आती चीज़ें तो बहुत डिफिकल्टीज होंगी। बाकी और मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये ना बिना आप किसी को सिखाओगे, लोग सीखते हैं तो उनका परफॉर्मेंस आता है खुद अपना। आप सिखाओगे ना किसी को तो आप इंडिपेंडेंट बनाओगे। मैं अगर सिखाता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता हूँ कि हर बंदा खुद करे, मेरी उसको हेल्प की जरूरत नहीं। मेरा काम है उसको गाइडेंस करना, मेंटोर करना, उसको सिखाना, है ना। मैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाने की कोशिश करता हूँ, डिपेंडेंट नहीं। अगर मैं आपको चीज़ें दूंगा, आओ मेरा नीचे जुड़ जाओ, यहाँ मैं आपको ट्रेड्स कराऊंगा, इट मीन्स मैं आपको लाइव सामने लाइव करूंगा, आओ एक लाइव में जुड़ो मेरे साथ में करो, इट मीन्स मैं आपको डिपेंड कर रहा हूँ अपने आप पे। तो मेरा एक मोटिव हमेशा से रहा कि मैं इंडिपेंडेंट का ट्रेडर बनाने की कोशिश करता, अगर कोई मेरे से सीख रहा है या मैं किसी को सिखा रहा हूँ। तो एक बार मैं आपको, मैं ऐसे ग्रुप में कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ देता नहीं, किसी को ज़्यादा बोलता नहीं, खुद ही आपस में डिस्कस करते हैं जो जिनको मैं मेंटर करता हूँ, जिनको सिखाता हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ तो किस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है, है ना भाई। अपना प्रमोशन तो बनता है यार, हम अच्छा सिखाते हैं करके। तो ये आज इनका जो ट्रेड चल रहे होंगे, ये अपने ट्रेड कर रहे थे आज। अच्छा, ये सभी अपना मेंटोरशिप वाला अपना ग्रुप है, तो अच्छा ही परफॉर्मेंस सभी का सही। इनने तो काफ़ी अच्छा बना रखा आज, न 13,000 ऐसा कुछ प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज क्या है आपकी, अच्छा ठीक है। तो इनने एक मैसेज लिया था, आई ऑलमोस्ट डबल माई कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑल। ये देख रहे हो भाई, प्रमोशन देख रहे हो। खुद ही कर रहा हूँ मैं ये। हाँ तो ये देखो काफ़ी अच्छा इनने ये चीज़ सुनना बस अच्छा लगता है, ये चीज़ सुनने में मज़ा आता है कि आप तुम किसी को करवा रहे हो, इनको चीज़ें करवा रहे हो, उन पर एफर्ट्स डाल रहे हो कि आप सीखो, बंदे सीख रहे, खुद करें, काफ़ी अच्छा। ऐसे ही भाई दोस्त, आप ब्लॉग मुझे पता है पक्का देखोगे, आप इम्प्रूवमेंट ऐसे ही लगे रहो इसको, सर पर मत चढ़ने देना कि हम कैपिटल डबल करें तो हम कैपिटल सीधा दुगना कर देते हैं, ऐसा मत करना। जैसा कैपिटल साफ करते वैसे ही काम करो। डिस्कल्प 23 के इनने भी अच्छा रिटर्न बनाया, ये सब कर दें, ठीक है। तो मेरी साइड से कुछ है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो यही करना होता है ट्रेडिंग में, आप किसी को सिखाओ कुछ भी करो, उसको आपकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कभी भी नहीं। एक बार आपने सिखाया चाहिए, समझ गया, करने लगे, खुद करने लगे, उस पर ऐसा मत करो कि बार बार आपके पास है, आप इसे कहे आप मुझे सारी चीज़ बताओ, वो चीज़ बताओ, नहीं। उसको ऐसा बनाओ कि हाँ यार उसको चीज़ समझ में आ जाए, उसे पता चल जाए कि एग्जैक्टली मार्केट में चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो बाकी लर्निंग वीडियोस में आउट कर दूंगा, मीटअप, मैं ग्रैंड मीटअप की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो उसका भी अपडेट आपको कल तक या आज मिल सकता है, है ना। बाकी मीटअप 28 तारीख को मुंबई, लोकेशन मैंने कम्युनिटी में शेयर किया, यूट्यूब स्टोरी पर डाला है, यूट्यूब पर पोस्ट भी है, उस पर भी डाला हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आओ, विजिट करो। एक रिटेल ट्रेडर कैसे काम करते हैं यार, उनका एक माइंडसेट से जानने को आपको मिलेगा। किसी ट्रेडर से फेस टू फेस बातें करते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। मैं जैसे अभी मिला था, अभिषेक सर से मिला था, विभुर सर से मिला था, दीपक सर से मिला था और असीम सर से मिला था, तो हर उनके हर एक सेक्टर में वो जो जो काम करते, जैसे जैसे करते हैं, अगर उनसे आप बात करो तो
की लोगों की पर्सनैलिटी से, लोगों के बात करने के तरीके से और उनके जो थॉट प्रोसेस है उससे कनेक्ट होने का आपको मौका मिलता है कि हाँ यार ये इनकी सोच ऐसी, ये ऐसे सोचते हैं, ये हाई लेवल है, तो मज़ा आता है। तो आप ट्राई करा करो, किसी फुल टाइम ट्रेडर से मिलो, उससे डिस्कस करो चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें रियलिटी समझ आएगी, तब जाके आपको एक सही गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है। बाकी ऐप डाउनलोड करके देखो, आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खोल के रख लो और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट बिना सही है बिल्कुल मत करना। बाकी यही था मेरा आज का ब्लॉग, अभी मेरे को थोड़ा ट्रैवल करना है तो मैं ये सब कुछ अभी एंड कर रहा हूँ, अभी ऑलमोस्ट 4 बजे हुए हैं। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बटन को दबाओ, 200 के सब्सक्राइबर पहुंचा, डेली ब्लॉग्स मेरे देखते रहो। मैंने कैमरा ले लिया, अगला ब्लॉग आपको मेरे कैमरे से मिलेगा, वॉइस अच्छा आ जाएगा, सब कुछ अच्छा आ जाएगा, क्वालिटी अच्छी आ जाएगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।